एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सेसा का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू विद कंडीशनर। मतलब कि इस शैम्पू में ही कंडीशनर है, आपको अलग से कोई भी कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये सिर्फ आपको 99 में मिलेगा। आप इसे किसी भी मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हैं और मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस लिंक के थ्रू भी आप इसे बाय कर सकते हो। और इसमें जो अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 17 टाइप्स के हर्ब्स ऐड किए गए हैं, जिसमें नीम, तुलसी, मेहंदी वगैरह हैं। और अभी बात कर लेते हैं इसके काम की। तो इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं, इसकी पैकिंग बहुत ही सिंपल है, कार्डबोर्ड पैकिंग में ये शैम्पू आता है। और शैम्पू कुछ इस तरह से है, जो कि ज़्यादा नहीं चलेगा अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो, क्योंकि अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो इसकी क्वांटिटी आपको थोड़ा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। और आप इसे मेल हो या फीमेल हो दोनों ही ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मेरे हबी और मैंने दोनों ही इस शैम्पू को ट्राई किया। तो मैंने देखा कि एक तो ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है, ठीक है, बहुत मतलब 100% नहीं बोल सकते, लेकिन 70-80% तक जो है आपके हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शैम्पू करें, आजकल क्या है कि पहले सिर्फ शैम्पू करके छोड़ देते थे और कंडीशनर नहीं लगाते थे, लेकिन अब क्या है, अगर हम कंडीशनर नहीं लगाते हैं तो हमारे बाल बहुत रफ़ लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप सिर्फ इसको लगाओगे तो आपको अलग से कोई भी कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये शैम्पू जो है वो विद कंडीशनर के साथ आता है और आपके बालों को स्मूथ भी करता है और हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है। तो हेयर फॉल मैंने बताया, आप ये नहीं सोचें कि इसे पूरा 100% ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर देगा, लेकिन हाँ ये काम करेगा, आपके बालों को स्मूथ भी करेगा और साथ ही साथ जो है ये आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। बस ये है कि अगर आपने ऑयलिंग करी है तो थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। शैम्पू मुझे पसंद आया, अगर ये मुझे पसंद नहीं आता तो मैं इसका ऑयल नहीं लेती, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे अच्छे लगे, जो कि पूरा जो ऑलमोस्ट है वो फिनिश है, इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं निकलेगा। और